स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिस्ड द आइडल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव for and to achieve, but if needs be, it is an idol for which I am prepared to die. Students, ये lines Nelson Mandela है, उनके through लिखी गई है। वो इन lines के through कहते हैं कि मैंने ही जो white people थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैंने ही जो black people थे उनका जो domination था उसके खिलाफ भी मैं लड़ा, मैंने एक democratic और free society की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सभी को equal opportunities मिले। वो कहते हैं कि मैं इसी आइडल के लिए जीना चाहता हूँ और इसको पाना चाहता हूँ। कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस आइडल के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये लाइंस थी नेल्सन मंडेला की जिन पर साउथ अफ्रीका की जो वाइट गवर्नमेंट थी, मतलब गोरे लोगों की जो सरकार थी, उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था इनके ऊपर। स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल रूल करते थे और यहाँ पर अपार्थाइड नाम का एक सिस्टम था जिसको फॉलो किया जाता था। अपार्थाइड सिस्टम मींस गोरे और कालों को लेकर जो भेदभाव किया जाता है उसको अपार्थाइड कहते हैं। ब्लैक जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। यहाँ पर ब्लैक लोगों को बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर वन थी कि वहाँ पर जो नॉन वाइट लोग थे, यानी कि जो ब्लैक लोग थे, उन लोगों को वहाँ आना बिल्कुल अलाउड नहीं था जहाँ पर वाइट लोग रहते थे। यानी कि जो वाइट लोगों का जो एरिया होता था वहाँ पर ब्लैक लोग बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे। और जो ब्लैक पीपल वाइट लोगों के एरिया में या वहाँ पर जाना चाहते थे तो उनको वहाँ पे पहले वाइट लोगों से परमिट लेना होता था, परमिशन लेनी होती थी, तभी वो वहाँ पर जा सकते थे। प्रॉब्लम टू जो वो फेस कर रहे थे ब्लैक पीपल वहाँ पर, साउथ अफ्रीका में सेग्रीगेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता था। मींस ब्लैक और वाइट लोगों की जो हर चीज़ होती थी वो अलग अलग होती थी। जैसे कि मान लीजिए जो बसेस होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, तो वाइट पीपल्स के लिए वो अलग होती थी और ब्लैक्स पीपल के लिए वो अलग होती थी। इसी तरह से हॉस्पिटल, स्कूल्स, होटल्स सब अलग अलग होते थे। जो ब्लैक लोगों के लिए थी वो ब्लैक लोग यूज़ करते थे और जो वाइट पीपल्स के लिए बनी हुई थी उनमें सिर्फ वाइट लोग ही जाते थे। यहाँ तक कि जो ब्लैक और वाइट लोग थे उनके जो चर्चेस थे, जहाँ जो चर्च थे वो भी उनके अलग अलग होते थे। ब्लैक पीपल को अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने या कोई भी ग्रुप बनाना अलाउ नहीं था और ना ही वो किसी भी तरह का प्रोटेस्ट कर सकते थे। प्रोटेस्ट मींस विरोध। अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट के किसी बात से एग्री नहीं करते हैं तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको अलाउ नहीं था। और जो लोग इस तरह का प्रोटेस्ट करते थे या फिर करना चाहते थे तो ऐसे लोगों को क्या कर दिया जाता था, सज़ा दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था और पनिशमेंट के तौर पर कई बार उनको जेल भी भेज दिया जाता था। तो स्टूडेंट, अभी जो स्टार्टिंग में हमने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा तो वो भी एक ब्लैक थे और वो भी जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस वजह से नेल्सन मंडेला और उनके जो सात लीडर और साथ में थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको 1964 में क्या किया था, एज अ पनिशमेंट जेल में भेज दिया गया था। और जिसकी वजह से 28 सालों तक उन्हें साउथ अफ्रीका की जो सबसे भयानक जेल थी रॉबिन आइलैंड, वहाँ पर उनको रहना पड़ा।
तो इस तरह से जो साउथ अफ्रीका में जो वाइट लोग थे तो वो ब्लैक लोगों के ऊपर इस तरह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। बट इसके बावजूद भी जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट था वो कंटिन्यू रखा। इस प्रोटेस्ट को ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीड कर रही थी और कुछ वाइट लोग भी थे ऐसे जो ब्लैक्स को सपोर्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट में उनकी हेल्प कर रहे थे। तो इस तरह से ये जो प्रोटेस्ट था ये कई सालों तक चलता रहा और इसमें कई लोगों की जान भी गई। बहुत से जो ब्लैक पीपल थे, जो कलर्ड पीपल थे वो मारे गए। इस प्रोटेस्ट के चलते आखिरकार जो वाइट गवर्नमेंट थी, जो वाइट लोग थे, उनको ब्लैक्स के आगे झुकना पड़ा और जो साउथ अफ्रीका था वो एक फ्री कंट्री बना, आज़ाद हो गया। और वहाँ पर जो ब्लैक और वाइट लोग थे उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो फाइनली ख़त्म हो गया। आज की डेट में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी साउथ अफ्रीका को। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय साउथ अफ्रीका ने या वहाँ के लीडर्स ने फेस की। सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जो ब्लैक पीपल थे और वाइट पीपल थे उन दोनों में आपस में ट्रस्ट नहीं था। वो दोनों ही तरह के लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे। ब्लैक पीपल सोचते थे कि वाइट पीपल उनके साथ फिर से चीटिंग करेंगे और फिर से उन पर रूल करेंगे और वाइट लोगों को ये लगता है कि जो ब्लैक लोग हैं वो हमसे बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। क्योंकि वाइट पीपल ने ब्लैक पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था तो कहीं ना कहीं उनको डर था कि कहीं अगर ब्लैक लोग गवर्नमेंट में आ गए तो कहीं वो फिर उनसे रिवेंज ना लें। सेकंड प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि ब्लैक लोग चाहते थे कि साउथ अफ्रीका में जो रूलिंग पार्टी हो वो मेजोरिटी के बेस पर हो। देखिए स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका में 2/3 मेजोरिटी ब्लैक पीपल्स की थी और बाकी जो बचते हैं उसमें वाइट पीपल थे और कलर्ड लोग थे, मतलब जो वाइट भी नहीं थे ब्लैक भी नहीं थे उनको कलर्ड कहा जाता था। तो ब्लैक्स चाहते थे कि जो रूलिंग पार्टी हो वो मेजॉरिटी के बेस पर हो और सबको और सब इक्वल हो और किसी के साथ भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो उनके सामने थी वो ये थी कि जो वाइट पीपल थे वो चाहते थे कि उनकी जो प्रॉपर्टी है और जो प्रिविलेजेस हैं वो छीने नहीं जाएं, मतलब जो उनके पास अपनी पहले से ही प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ना छीना जाए। स्टूडेंट्स नाउ लुक एट द प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल बेसिकली एक टाइप का पैराग्राफ होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लाइक ओवरव्यू टाइप से, मतलब के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उसका एक ओवरव्यू होता है। ठीक है, तो देखते हैं। जब साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात आई तो लगभग 2 सालों तक जो ब्लैक और वाइट पीपल थे उन्होंने साथ में बैठकर डिस्कशन किया। कुछ बातों पर वो एग्री हुए, कुछ बातों पर डिसएग्री हुए, लेकिन फिर भी एंड में उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में बनाया गया वो वहाँ के सिटीजन्स को उनके सारे बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है और इक्वलिटी भी प्रोवाइड करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया जा रहा था तो उस टाइम पर सभी लोगों की बातों को सुना गया, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे मेजॉरिटी में हो, सभी को इक्वल राइट्स दिए गए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में बनाया गया जिसमें ब्लैक लोगों ने वाइट जो लोग थे उनको माफ़ कर दिया, जो उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए थे उसको भुलाकर उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। और अब जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर सभी लोग इक्वल हैं, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं है कलर को लेकर जो वहाँ पर पहले था।
और सभी लोग वहाँ पर अब हैप्पीली रहते हैं। तो ये था स्टूडेंट साउथ अफ्रीका का स्टोरी जो हमने पढ़ी और देखा कि किस तरह वहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम का प्रोटेस्ट करके वहाँ पर इक्वलिटी लाई गई, जिसमें बहुत बड़ा रोल नेल्सन मंडेला का था। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।